हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निवरान। मैं अहमद सईद, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोग जामिया में इनरोल्ड हैं, जो सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए, चाहे वो बीए के हो, एमए के हो, फिर डिप्लोमा के हो, सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए कैंपस ऑफलाइन खोला गया था, चाहे क्लासेस को लेकर हो, लाइब्रेरी को लेकर हो, या फिर रीडिंग हॉल को लेकर हो। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है गाइस। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फिर फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपके लिए भी कुछ सुविधाएं आ चुकी है। यानी एज ए जामिया स्टूडेंट आप भी कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं गाइस। हाँ, ये बात ज़रूर है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ऑफलाइन क्लासेस अभी भी अटेंड नहीं कर सकते हैं, बट ये बात ज़रूर है कि अब आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, रीडिंग हॉल जा सकते हैं। जी हाँ गाइस, सिर्फ फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर वालों के लिए पहले खोला गया था। यानी आईडी कार्ड चेक करने के बाद सिर्फ फाइनल ईयर वालों को लाइब्रेरी में या फिर रीडिंग हॉल में एंट्री मिलती थी, बट अभी क्या है, फर्स्ट ईयर वाले भी लाइब्रेरी जा सकते हैं, अपनी आईडी कार्ड से बुक इशू करा सकते हैं, या फिर आप रीडिंग हॉल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं गाइस। तो आपके पास सुनहरा मौका है। अभी तक आपने लाइब्रेरी अगर नहीं देखा, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी जा सकते हैं। अपने आपने जो आईडी कार्ड इशू करवाया है, उस आईडी कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट बनवाइए जाके, उसके बाद बुक इशू करवा लीजिए। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया है। तो जल्द से जल्द आप भी लाइब्रेरी जाइए और एज अ जामियन जामिया के लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए, सेंट्रल लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे बुक्स हैं, जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं और इशू करवाइए। आप भी जामियन होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए।